जब 2017 का दिसंबर में आप एमएलए जीता था तो थ्रू आउट द 2018 में लगभग एक साल में आप क्या क्या स्कीम लेके आया था जनता को थोड़ा बता दीजिए। स्कीम एक साल का भीतर में एक तो पीएमजीएसवाई था 155 करोड़ का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद आरआईडीएफ से 30 करोड़ का एक ब्रिज है और नेसिट से 10 करोड़ का लिखाबली टाउनशिप रोड का है, उसका बाद मालोनी थान टेम्पल को बनाने के लिए 2.5 करोड़ स्टेट प्लान से, ये एक साल का वेतन में अपना कंसल्टेंसी लगाया। ये विद इन 2018 में 2018 आपका ये नया इलेक्शन के पहले ना इलेक्शन नया इलेक्शन से पहले तो जो जो अभी स्कीम लाया है अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है अभी पीएमजीएसवाई तो आपका टेंडर करके अभी वर्क अवार्ड हो गया, वर्क शुरू भी हो गया, टेंडर हो चुका है, निश्चित का अभी हाल ही में टेंडर होगा और आरआईटीएफ टेक्निकल सेंक्शन के लिए रुका है, जब टेक्निकल सेंक्शन होगा तब वो टेंडर होगा, मेरे ख्याल से अगस्त तक सब कट हो जाएगा। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसको अभी आप जो टेंडर मिल चुका है कॉन्ट्रैक्टर लोग से आप बातचीत किया है? कॉन्ट्रैक्टर को अभी ब्रीफ करना बाकी है, आपका 100% जब वर्क अवार्ड होगा तब सारा कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा, ब्रीफ करेगा क्या काम करना चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। टाइम बाउंड कितना होगा? टाइम 2 साल का समय है, उसका मतलब आप आपका टेन्योर खत्म होने के पहले खत्म होगा रास्ता? हम अपना टेन्योर में वहाँ बास दौड़ाना है, ट्रक दौड़ाना है, अभी ट्रैक्टर चल रहा है कोई कोई रास्ता में, उसको हम ऑल वेदर रोड कन्वर्ट करेगा, वो 2 साल का या आप 3 साल पकड़ लीजिए मेरा टेन्योर का अंदर में सब खत्म होगा। आप अभी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बोला था, सही होगा? क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर कॉम्प्रोमाइज करता है तो पहले कंप्लेन मैं खुद मिनिस्ट्री को, उसका लाइसेंस रद्द कराऊंगा, बिल रुकाऊंगा, वो हमसे बच के नहीं जा पाएगा, ना कॉन्ट्रेक्टर बच पाएगा, ना इंजीनियर बच पाएगा, ना पब्लिक बच पाएगा, क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अभी आप जो बोल रहा है बहुत अच्छा बात बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो बोल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ होगा? तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आजकल सारा मशीन से काम होगा, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आपका NQTM दिल्ली से आएगा, SQTM स्टेट से आएगा, नेशनल क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, स्टेट क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग सब आ करके देखेगा, तो क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। पर अभी आप जो कैमरा में बोला है प्रैक्टिकली अच्छा से चेक करेगा? वो तो उसी रास्ता में हमको रहना है, जब काम शुरू होगा मैं उधर जा करके खुद देखेगा, तो सही नहीं लगेगा मैं कंप्लेन खुद दर्ज करूंगा, अगर सही लगेगा कॉन्ट्रैक्टर का साथ मिल करके वो लोग को भी कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन देना है, वो भी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो डिपार्टमेंट होगा, सही नहीं होगा तो बख्शेगा नहीं, ठीक होगा तो मेरे तरफ से सारा जो कॉपरेशन मिलना चाहिए मिलेगा। अभी तो बहुत अच्छा बोल रहा है, बाद में समय में चलते चलते कॉन्ट्रेक्टर के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो जाएगा और रास्ता भी इधर उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।